अब तो बढ़ानी पड़ेगी स्पीड, बहुत आगे निकल गई यार। रेस आ जाएगी पे आ गए हम, ये हमने उस ट्रेन को कर लिया है ओवरटेक विद फुल स्पीड 120 की स्पीड के साथ। यहाँ पर बैक टू द गेम प्ले ऑफ आरजी ट्रेन, जिसमें आज विल डू द लास्ट ड्यूटी दैट इज स्लो अप लोकल। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है, आपका स्टेशन कौन सा है, स्टेशन क्या है यार, कल्याण, कल्याण से स्टार्ट होगी और लास्ट स्टॉप तक जाएगी। स्लो लोकल है दैट मीन्स ये हर जगह रुकेगी, फास्ट लोकल जो लास्ट वीडियो में देखा था वो स्किप करते हुए जा रही थी और ये हर जगह रुकेगी। तो अभी लोको में चढ़ जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे मैंने देखा इन टोटल अभी 4 ट्रेन्स खड़ी हुई, तो इसका आगे कभी अगर पैरेलल रन हो तो वो सही रहेगा। पैरेलल रन इन द सेंस हम ही करेंगे, अभी तो ये आगे खुद से नहीं बढ़ेंगे। तो अभी आगे अपन बढ़ गए, अपना फर्स्ट रीच एंड स्टॉप एट द लोकेशन, मोस्ट प्रोबेबली जो भी नेक्स्ट स्टेशन होगा उस पर जाके रुकना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं स्लो लोकल में। हाँ, न्यू थिंग इन दिस वीडियो, आई विल बी फॉलोइंग ऑल द स्पीड लिमिट्स, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने करना है। अभी 60 किलोमीटर है तो उसको फॉलो करेंगे। ट्रेन से हो कितने, 1 2 3 4 4, और अपनी ट्रेन थी 5वीं। तो कल्याण जंक्शन पे ट्रैफिक अच्छा खासा था। अरे यार स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, इसको कम करना पड़ेगा, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। और उधर साइड में देखो वो WDS भी खड़े हुए हैं जो अपने दूसरे वाली पेट्रोल ओवरहॉल वगैरह ड्यूटी करते। तो ये हमारी स्लो लोकल आगे बढ़ रही है, तो स्पीड जैसा मैंने बोला 60 के अंडर ही रखने वाले हैं हम। थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, सामने से दूसरी ट्रेन क्रॉस हो रही है, दूसरी लोकल ने हमको क्रॉस किया, ये भी स्लो लोकल ही थी, तो अराउंड 120 की स्पीड हो गई हमारी। आगे अभी तो और कोई ट्रेन नहीं आ रही है, तो डिस्टेंस तो लंबा है, हम स्पीड भी धीरे धीरे ही चल रहे, तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा और अच्छे से एंगल्स को भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पे कितनी 5 लाइन है टोटल, 1 2 3 4 5, ये जो लेफ्ट वाली 2 हैं वो उधर यार्ड वाली हैं, यार्ड से आती हैं, और ये 3 मेन वाली हैं। अंदर आ गए ट्रेन के, थोड़ा अंदर से देखते हैं, अंदर वाला व्यू मुझे बहुत सही लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल एक्चुअल ट्रेन में चल रहे हैं हम। बिल्डिंग्स है अच्छी खासी, इस तरफ से भी देख लेते हैं, सेम ये डोर व्यू हो गया हमारा। मॉडलिंग जो की है ना ट्रेन की, बहुत ही शानदार है, बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग है इसमें। ओके, तो स्टेशन ऑलमोस्ट आ गया है हमारा पहला। आगे कोई ट्रेन मुझे दिख नहीं रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ड्राई रन ही होगा, अकेले ही चलने वाले हम। कौन सा, ये छोटा स्टेशन है कोई सा, ठकुरली है शायद, मुझे स्टेशन की याद नहीं रहते। यस ठकुरली इट इज। तो स्टेशन पर अराइवल हो गया हमारा, इस व्यू से देखेंगे बहुत शानदार लग रहा है। ठाकुरली के प्लेटफॉर्म नंबर समथिंग पे आ चुके हैं हम, और कोई ट्रेन साथ में खड़ी नहीं हुई है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर 15 सेकेंड्स, थोड़ा बाहर जाके देखते हैं। ये छोटा सा स्टेशन है, यहाँ से जो एक्सप्रेस ट्रेन जाती होंगी, ये वाले जो 2-3 ट्रैक्स हैं, और उधर अपनी लोकल ट्रेन। तो ओके, सिग्नल हो गया, रीच एंड स्टॉप एट लोकेशन, आगे बढ़ते हैं, स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे एज आई सेड। आगे जाके देखते हैं थोड़ा, दिस वॉज ठाकुरली स्टेशन, एंड आई एक्सपेक्ट कि अभी और ट्रेन्स आएंगी, आगे क्रॉस करेंगी, क्योंकि स्लो लोकल है तो धीरे धीरे आना जाना होता ही रहेगा। फिर से ये डोर वाले व्यू पे आ गए हम, लुक एट दिस यार, बहुत शानदार। अरे स्पीड फिर से बढ़ गई यार, मैं फिर भूल गया 90 में पहुंच गए। कम करेंगे, अभी थोड़ा और कम लेके जाएंगे हम, धीरे धीरे ही जाएंगे, पूरा सिनेरियो कम्प्लीट करेंगे एज पर द स्पेसिफिकेशंस, स्पीड फॉलो होगी, डोंट वरी। कभी कभी भूल जाते हैं, अभी इसके पहले जितने भी मैंने कि 120 की स्पीड पे भगाया है अभी ये नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे हम, क्योंकि इसमें एक सरप्राइज़ भी है। मुझे आरजी डेवलपर्स का ही रिप्लाई आया था मेरे एक पुराने वीडियोस पे कि स्लो अप लोकल जो है उसमें एक पैरेलल रन भी हो सकता है इफ़ यू फॉलो द स्पीड लिमिट। आई एम फॉलोइंग द स्पीड लिमिट, लेट्स सी क्या होता है। सामने से एक और ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है उस स्टेशन से, ये हमारा जिंग हुआ उस ट्रेन के साथ, डोमीवली आ गया है, उस पर रुकेंगे धीरे धीरे। ये देखो क्या प्यारा सा व्यू, स्टेशन भी आ गया, सामने से दूसरी ट्रेन भी निकल रही है, इस साइड से भी यू कैन सी दी अनदर ट्रेन, धीरे धीरे अराइवल कर रहे हैं। वैसे लोकल इतनी धीरे अराइवल करती नहीं है, एकदम से आके स्टॉप हो जाती है, स्टिल आई एम ट्राइंग कि धीरे धीरे ही जाऊँ ताकि मुझे वो पैरेलल रन मिले। पैरेलल रन होने वाला है आगे, जब भी होगा, अभी तक तो कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे कि पैरेलल रन हो, क्योंकि कोई दूसरी ट्रेन साथ में चल ही नहीं रही है, पीछे आ ही नहीं रही है। अब उन्होंने बोला तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, स्टेशन पे हम रुक चुके हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्या। डोमी वैली पर अराइवल हो गया, इसके बाद कोपर आएगा, कोपर के बाद अपना लास्ट आ जाएगा दीवा, दीवा ही है ना, यस दीवा ही होगा। तो ये अब बस 2 स्टेशन बचे हैं, इसमें कहाँ आएगा पैरेलल रन देखते हैं।
आएगा भी कि नहीं आएगा। वैसे तो उन्होंने बोला है, ऑफिशियली बोला है उन्होंने, तो आएगा, मुझे भरोसा है पूरा। ओके तो यहाँ से हमारा डिपार्चर हो गया है, इसका यहाँ से डिपार्चर देखते हैं स्टेशन पे खड़े हुए। इसकी आवाज़ बहुत शानदार थी, सुन वो करके। प्यारा सा डिपार्चर हो गया डोंबिवली से हमारा। There you go। फिर से जाते हैं वहाँ पर। तो अभी तक भी पीछे से कोई ट्रेन मुझे नहीं दिख रही है, आई होप नेक्स्ट स्टेशन के बाद आए, नहीं तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद तो लास्ट स्टॉप ही होगा कोपर के बाद, कोपर पास में ही है। भाई आ जा यार, कोई ट्रेन तो दिख जा। फिर भी अच्छा खासा ट्रैफिक इसमें अभी तक तो देखने को मिला है, सामने एक और ट्रेन खड़ी हुई कोपर पे। तो कोपर पे हमारा अराइवल हो गया है, कोपर ही है ना यार ये, डोंट माइंड मुझे याद नहीं रहता। सेम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ईएमयू का अराइवल हो गया है, 2। यस इट इज। अब आनी चाहिए ट्रेन पैरेलल रन के लिए। थोड़ा और आगे बढ़ो भाई। ये स्पीड लिमिट फॉलो करने के चक्कर में ना अपना बैंग ऑन वाला अराइवल नहीं हो पाता है, एकदम सूम करके आके रुकने वाला। पर कोई बात नहीं, स्पीड लिमिट तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, कोपर से अब डिपार्चर करेंगे। वी हैव टू रीच एंड स्टॉप एट द लोकेशन। इधर पीछे एक बार देखते हैं यार, देखो दिख रही, दिख रही, आई कैन सी दैट ट्रेन। इससे होगा हमारा पैरेलल रन। यस दे वर राइट, रेस करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा आगे निकलने देते हैं, देन लेट्स सी क्या होता है। उसकी स्पीड भी आई गेस हमारे से सेम ही होगी। ये निकल गई ट्रेन, अब इसके साथ विल डू द रेस। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम भी। यह यू गो, अब एक्शन स्टार्ट होगा। अरे जल्दी एक्सेलेट कर भाई, तो वो तेज निकल गई है। लुक एट दैट, वो तेज जा रही है। ओ भैया आगे पीछे छोड़ दिया यार उसने। चलो जल्दी, कमान कमान कमान, एक्सेलेट नहीं कर रही जल्दी। एंड हियर द पैरेलल रन हैज स्टार्टेड, हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी कौन जीतता है। दीवा जंक्शन तक हमारा ये जो रेस है रहेगी। अभी वी हैव पिक्ड अप द स्पीड, आगे बढ़ चुके हैं हम। इसको धीरे से जल्दी से छोड़ देंगे, आई डोंट थिंक उसकी भी स्पीड ज़्यादा है, 60 की स्पीड पे ही चल रही है वो भी। ये हम इसको पीछे छोड़ते हुए इस व्यू में देखें इसको, लुक एट दिस, अभी समझ में आएगा। ये डोर व्यू से देखते हैं, ये हो रहा है हमारा पैरेलल रन। इसके पीछे वो रावण वाला म्यूजिक लगना चाहिए। एंड हियर वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवरटेक दिस ट्रेन। वो जा रही है, स्पीड देख रहे हो नीचे क्या मस्त दिख रही है। 57 की स्पीड पे ही हम भी चल रहे हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ गई, मतलब उसकी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, इसको आगे बढ़ा दिया। ज़्यादा तेज जा रही है यार ये, मैंने कम कर दी थी। अब तो बढ़ाएंगे यार, रेस हार जाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करने वाला, रेस जीतना है मुझे। अब आगे बढ़ेंगे 100% थ्रॉटल के साथ। वी आर अबाउट टू ओवरटेक दिस ट्रेन। लेट्स सी दीवा तक हम इसको कर पाते हैं कि नहीं। फुल स्पीड में जाएंगे, स्पीड लिमिट को ब्रेक कर दिया हमने। कमान 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 कमान, यस कर लेंगे कर लेंगे। आ गई आ गई। तो इसके बैक को तो हमने, और पॉप पे वाइब्रेशन देखो दीवा पे आ गए हम। ये हमने उस ट्रेन को कर लिया है ओवरटेक विद फुल स्पीड, 120 की स्पीड के साथ। यहाँ पर दीवा पे भी अराइवल कर रहे हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इज आल्सो अबाउट टू बी कंप्लीटेड हियर। सामने एक और ट्रेन खड़ी हुई है जिसका हम क्रॉसिंग करेंगे। यस एंड यहाँ पे हमारा सिनेरियो हो चुका है कंप्लीट।